नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका का F-35 हो चुका है क्रैश और चीन किस प्रकार से इस F-35 के पीछे नहा धो के पड़ गया है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में बहुत बड़ी घटना हो चुकी है और अमेरिका का सबसे एडवांस 5th जनरेशन का फाइटर जेट F-35 दक्षिण चीन सागर में हो चुका है क्रैश। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी नेवी दक्षिण चीन सागर में एक एक्सरसाइज को अंजाम दे रही थी, तभी यह घटना हुई। जो अमेरिका का F-35C नाम का एयरक्राफ्ट है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग लेते समय जाके एयरक्राफ्ट कैरियर से ही टकरा गया, जिससे F-35 एयरक्राफ्ट तो क्रैश हो गया परंतु जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी अच्छा खासा डैमेज हुआ है। और दोस्तों, इस घटना के पश्चात पूरे अमेरिका और चीन में हड़कंप मचा हुआ है और दोनों ही देश इस क्रैश हुए F-35 एयरक्राफ्ट के मलबे को तलाश रहे हैं। अब आप सभी कहेंगे कि अमेरिका का तो है, उसको मलबा तलाशना चाहिए, चीन F-35 के पीछे क्यों पड़ा है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन हमेशा दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी को चुराता है और F-35 दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेटों में से एक है। और वैसे अमेरिका के हथियारों की टेक्नोलॉजी को चुरा कर चीन अपने यहाँ पर कॉपी किया करता था और यहाँ पर तो पूरा बना बनाया अमेरिका का ही फाइटर जेट चीन के हत्थे लग सकता है। और दोस्तों, इसी के जद्दोजहद में चीन और अमेरिका दोनों ही दक्षिण चीन सागर के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं, क्योंकि यदि F-35 फाइटर जेट चीन के हत्थे चढ़ गया तो फिर चीन इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ऐसा ही एक और लड़ाका बना के तैयार कर देगा। और दोस्तों, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी अमेरिकन टेक्नोलॉजी होगी, जिससे अभी तक जो चीन स्टेल्थ फाइटर जेट को पूरी तरीका से नहीं बना पाया है, अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट की मदद से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में माहिर हो जाएगा। और दक्षिण चीन सागर में हुई इस घटना के पश्चात जो चीनी मीडिया है वो अमेरिकी नेवी और अमेरिकी फाइटर जेटों का मजाक बना रही है। इसके अलावा चीन गुपचुप तरीके से दक्षिण चीन सागर में सर्च ऑपरेशन भी चला रहा है ताकि F-35 फाइटर जेट को वह ढूंढ पाए। खैर, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।